लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को किसी भी प्रकार की फीस न लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस दौरान कई निजी स्कूलों द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों से फीस के नाम पर अभद्रता के मामले सामने आए, तो कई जगहों पर स्कूलों में परिजनों को बंधक बनाए जाने के भी आरोप लगे हैं। इन सभी मामलों में हाईकोर्ट की दखलअंदाजी भी हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने फीस के नाम पर किसी भी प्रकार का दबाव देना गलत बताया। हाईकोर्ट ने भी साफ साफ शब्दों में निर्देश दिए थे कि फीस न देने के बावजूद भी किसी विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकेंगे और न ही ऑनलाइन शिक्षा देने से कोई निजी स्कूल मना कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट और सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए कई निजी स्कूल आज भी अभिभावकों और बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा एक मामला पुंडरी के करनाल रोड स्थित एक निजी स्कूल का आया है, जिसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल संचालकों पर ऑनलाइन क्लासेस हेतु बनाए गए ग्रुप से रिमूव करने, फीस को 20% बढ़ोतरी के साथ जमा करने के दबाव और फीस न देने के एवज में स्कूल से बच्चों के नाम काटने के आरोप लगाए हैं। अभिभावकों ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने 20 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी पुंडरी, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल और जिला उपायुक्त कैथल सहित उच्चतर शिक्षा विभाग को भी की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण आज दोबारा से कैथल डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। आप सभी देख ही रहे होंगे, ये मामला डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी का है, जहां पेरेंट्स बड़ी हुई फीस का विरोध कर रहे हैं। विद्यालय द्वारा फीस बढ़ाई गई है 10 से 12%। यहां कहा गया है कि बड़ी हुई फीस ना देने के कारण बच्चों का नाम काटा गया विद्यालय के द्वारा, और जैसे ही पवन जी अंदर जाना चाह रहे थे कि विद्यालय के प्रिंसिपल से या मैनेजमेंट से बात की जाए, तो मुख्य गेट को ही ताला लगा दिया गया विद्यालय के द्वारा, और कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से या प्रिंसिपल मैडम बात नहीं करना चाह रहे हैं, और ना ही फीस के बारे में कोई बात हो रही है, ना ही बच्चों का नाम जोड़ने के बारे में कोई बात हो रही है। अब हम बात करना चाहेंगे सीधे ही पवन जी से, जिनके बच्चों का एक 10वीं कक्षा में बच्चा इनका और एक 6ठी कक्षा में जिनका नाम काटा गया। हाँ जी पवन जी, बताएं क्या बात है, आप अपना पक्ष रखें। मामला ये है जी कि मेरे बच्चे एक 10वीं में और एक 6ठी क्लास में इस स्कूल में पढ़ रहे थे, और मैं यहाँ मंथली फीस जो सरकार के निर्देश हैं कि भी ट्यूशन फीस कोई भी प्राइवेट स्कूल ले सकता है और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, तो वो डिपॉजिट करवाने के लिए मैं कुछ दिन पहले स्कूल में आया था। तो मैंने जो पिछली फीस है और जो अब ये ट्यूशन फीस ले रहे हैं, जब वो सारी मेरे को पता लगी तो उसमें मैंने 10 या 12% की हाइक जो है मेरे को मिली, और मैंने कहा कि भाई आप हाइक तो कर ही नहीं सकते, आप फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकते, सरकार के निर्देश हैं। तो स्कूल के जो स्टाफ है उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको ये बड़ी हुई फीस देनी ही पड़ेगी, और मैंने इससे मना किया तो 2-3 दिन के बाद मेरे बच्चों का नाम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप से या स्कूल से जो भी इनका प्रोसेस है वहाँ से काट दिया गया, और मुझे इस चीज़ को लेकर के आज मजबूर होकर के मैं स्कूल में आकर के प्रिंसिपल से जब इस विषय में बात करना चाहिए, तो हमारे आते ही स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूल के मेन गेट पे ही ताला लगवा दिया, और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये कुछ पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं इस चीज़ का विरोध करने के लिए कि कोई पेरेंट्स स्कूल में ना आए, कोई विरोध ना करे, इस चीज़ को लेकर के पहले ही उन्होंने ताला लगवा दिया। कहीं ना कहीं इससे बच्चों की स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित हो रही है। इनका एक बच्चा 10वीं क्लास में है और एक बच्चा इनका 6ठी क्लास में है, उनको इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस से हटाना फीस ना देने का कारण। एक मामला इसमें यह भी बनता है कि विद्यालय में कुल 2700 के आसपास बच्चे हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे का नाम फीस ना देने के कारण काटना नाजायज है। कहीं ना कहीं इसमें विद्यालय का अत्याचार साबित हो रहा है कि विद्यालय एक ही पेरेंट्स पर अत्याचार क्यों कर रहा है। ऐसा क्यों किया गया पवन जी कि 2700 बच्चों में से सिर्फ आप ही के बच्चे का नाम काटा गया, 2 बच्चों का, एक 10वीं से और 6ठी से? इसका जो मेन कारण है एक तो यही है कि मैंने जो बड़ी हुई फीस है वो देने से मना किया था, ट्यूशन फीस देने से बिल्कुल मना नहीं किया और आज भी नहीं कर रहा, और दूसरा कारण इसका ये है कि कुछ पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल को भी कर रहे हैं, स्कूल टीचर्स को भी कर रहे हैं, और उन पेरेंट्स में मैं भी शामिल था जो कंप्लेंट्स स्टडी के रिगार्डिंग हो रही थी। तो प्रिंसिपल इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि कोई उनके टीचर्स के खिलाफ कोई वो कमी है उनकी ऑनलाइन क्लासेस में बताए, और वो नहीं चाहते कि कोई भी पेरेंट्स अपनी आवाज़ उठाए, और पेरेंट्स की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब किया है।
कहीं ना कहीं इसमें पूरा मुद्दा यही लग रहा है कि फीस जो बढ़ाई गई है 12% या 10%, उसी के कारण बच्चों का विद्यालय से नाम काटा गया है। इसमें एक अन्य बात ये भी देखने में आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी करवाई जा रही थी या ऑनलाइन जो स्टडी कराई जा रही थी, पवन जी ने उसमें एक मुद्दा ये भी उठाया था कि कुछ टीचर गलत पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। और उसमें एक मीनिंग बच्चों ने टीचर से पूछा जब, तो ये नहीं पता कि किस बच्चे ने पूछा था। वो जूम क्लासेस में एसएस की क्लास चल रही थी इनकी, सोशल स्टडीज़ की, नीलम वालिया मैडम उनको पढ़ा रहे थे बच्चों को, और उनमें अप हीवल वर्ड मीनिंग पूछा गया बच्चों टीचर से, बच्चों के द्वारा। और अप हीवल का मीनिंग उन्होंने बच्चों ने वहाँ पर टीचर्स ने बच्चों को बताया कि डर या भय होता है, जबकि असली मीनिंग अप हीवल का अगर गूगल में हम सर्च करें क्रांति या विद्रोह है। तो इसका मतलब टीचर अगर क्रांति या विद्रोह के बारे में नहीं जानता है तो वो बच्चों को टीच भी क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं एक मामला ये भी बनता है कि पवन जी ने ये मुद्दा भी उठाया कि टीचर है जो वो गलत पढ़ाई करवा रहा है। इसमें इन्होंने फीस का मुद्दा बना करके इनके बच्चे का नाम काटा है। हाँ जी पवन जी, आप बताएं पूरा मामला क्या था। वो मामला ये था जी कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं शुरू से ही इसकी कंप्लेन प्रिंसिपल को और जो कंसर्न टीचर्स हैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। और अभी बिल्कुल रिसेंटली इंसिडेंट जो हुई उसमें क्या था कि एसएसटी की क्लास चल रही थी बच्चों की जूम ऐप पर, तो उसमें जो टीचर है, जो भी कंसर्न टीचर उसको पढ़ा रहा था, उसने कुछ गलत पढ़ाया बच्चे को। मैं भी उस टाइम बच्चे के साथ ही बैठा हुआ था। किसी बच्चे ने पूछा मैम अप हीवल का मीनिंग क्या होता है, तो मैम ने बताया कि डर या भय होता है। तो जब उसको बच्चे ने गूगल में सर्च किया तो जो मीनिंग बता रहे थे वो बिल्कुल गलत था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से एक टीचर ही खुद बच्चों को गलत पढ़ाएगा, बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन देगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे। और इस चीज़ की अगर आवाज़ कोई पेरेंट्स उठा रहा है स्कूल के अंदर, तो उसको इस तरीके का रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है कि उसको ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है। इसमें पवन जी ने एक अन्य मामला ये भी बताया कि जो टीचर्स हैं वो पिछले 3 महीने से सिर्फ यूट्यूब से लिंक उठा करके शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका इन्होंने विरोध किया था कि आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से ही लिंक शेयर कर रहे हैं, आप अपने खुद के वीडियो क्यों नहीं बना रहे। जिसके कारण कुछ टीचर्स ने इनका विरोध किया कि आप अकेले ऐसा कर रहे हैं। और कल भी एक इंसिडेंट देखने में आया था कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ही पवन जी को रिमूव किया गया, उसके बाद इंग्लिश के जो मैडम थे विजेता मैडम, उन्होंने लिखा कि कोई भी पेरेंट्स जो इस प्रकार से कंप्लेंट करेगा उसको ग्रुप से रिमूव किया जाएगा। और जिसके बाद एसएस के जो मैडम थे उनके नीलम वालिया, उन्होंने नीचे लिखा दिस इज राइट, ये सही है कि ऐसा किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि टीचर्स के खिलाफ जो टीचर स्टडी करवा रहे हैं, अगर वो गलत स्टडी करवा रहे थे बच्चों को या टीच कर रहे थे बच्चों को, तो पेरेंट्स अगर आवाज़ उठा रहे हैं, जो जागरूक माँ बाप हैं, कि गलत टीच किया जा रहा है, तो उन बच्चों को कह लो या पेरेंट्स को ग्रुप से ही रिमूव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पवन जी आप इस मामले में देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर जब आपको रिमूव किया गया, अन्य पेरेंट्स ने देखा कि इंग्लिश के जो मैडम थे विजेता मैडम, उन्होंने लिखा कि जो भी आवाज़ उठाएगा उनको ग्रुप से ऐसे बाहर किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस से उनका नाम काटा जाएगा जैसे आपके बच्चों का काटा। जी बिल्कुल, जो टीचर्स हैं ग्रुप को मतलब मेंटेन कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार का मैसेज पेरेंट्स के बीच में कन्वे करने की कोशिश करी है। इस प्रकार का डर बैठाने की पूरी कोशिश चल रही है इनकी कि जो भी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, जो मतलब स्कूल की आलोचना करेगा या स्कूल की कार्यप्रणाली या जो जिस प्रकार से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या किसी भी प्रकार से स्कूल की आलोचना में वो शामिल होगा, तो उनके लिए यही रिजल्ट होगा। और दूसरे पेरेंट्स को भी इस तरीके का जो व्यवहार स्कूल कर रहा है वो करके स्कूल के जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको डराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई आगे से इस तरीके की हरकत ना करें। और ये पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हैं और ग्रुप में ये चीज डाल रहे हैं। पवन जी, अब अगला स्टेप क्या होगा? विद्यालय ने तो स्कूल गेट को ही ताला लगा दिया, अब आप किससे बात करेंगे? क्या आप इस मामले को लेकर के डीसी साहब को ज्ञापन देंगे या आप अभी स्कूल के गेट पर धरना देंगे? अभी हम यहाँ सांकेतिक रूप से धरना भी देंगे और आगे जो भी विभागीय नियमों के अनुसार जो कार्रवाई होगी, चाहे वो डीसी साहब को इस मामले में अवगत करवाना हो या जो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, हमारे जो डीओ हैं, बीओज हैं, हम उनके पास भी अपनी इस समस्या को लेकर के जाएंगे और इस अत्याचार को हम जो सोसाइटी में हमारे जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनके पास भी इस मैसेज को लेकर के जाएंगे।
देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से माता पिता के साथ अन्याय हो रहा है, विद्यालय के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है। अगर पेरेंट्स अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो ये एक अन्याय है, इसके खिलाफ सभी पेरेंट्स को इकट्ठा होना चाहिए। तो अगली जो भी कार्रवाई पवन जी के द्वारा होगी वो आपको सूचित किया जाएगा। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।